हे गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ग्रे आर्मर में। और भाई आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि भाई साहब कल मार्वल ने जो चार ट्रेलर्स या फिर कह सकते हैं चार फर्स्ट लुक्स अपलोड किए हैं ना अपने चैनल पे, भाई मैं खुशी से नाच नाच के बावड़ा हो गया हूँ। क्योंकि ये जो साल था बहुत ही घटिया था और इसके अंदर हम लोगों ना ही कुछ ढंग का देखने मिला और ना ही हम लोगों को इस साल कुछ एंजॉय करने को मिला। लेकिन अब मार्वल वापस से आ गए अपनी उसी पुरानी लेगेसी को कंटिन्यू करने और वापस से हम लोगों को एंटरटेन करने के लिए। और आज हम उन सारे के सारे ट्रेलर्स को एक साथ ब्रेकडाउन करने वाले, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो आओ यार बिना किसी देर के शुरू करते हैं आज की वीडियो। बार क्या ला ऑन द इंट्रो। तो यार वीडियो शुरू करने से पहले हम लोग ये देख लेते हैं हम लोगों कौन कौन से ट्रेलर्स या फिर एक्सक्लूसिव क्लिप्स को डिस्कस करना है। तो सबसे पहले ट्रेलर्स में आता है वांडा विजन का ट्रेलर, जो कि कंपेयर टू द फर्स्ट ट्रेलर मुझे ज़्यादा अच्छा लगा है एंड इसमें बहुत ही ज़्यादा अच्छे डिटेल्स डाले गए हैं कंपेयर टू द फर्स्ट ट्रेलर। उसके बाद में हम लोग बात करेंगे फर्स्ट लुक्स के बारे में, यानी कि हम लोग बात करेंगे फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर, और उसके बाद में हम बात करेंगे व्हाट इफ के फर्स्ट लुक के बारे में। एंड देन लास्ट में आएगा लोकी का एक्सक्लूसिव क्लिप, जो कि इन सब में से सबसे ज़्यादा अच्छा है और सबसे ज़्यादा ब्रिलियंट है। तो यार बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं वांडा विजन के ऑफिशियल सेकेंड ट्रेलर के बारे में। तो ट्रेलर के शुरू होते बराबर हम लोग देखते हैं कि कैथरीन हान, जो कि इस पूरे के पूरे शो के अंदर में मेन विलन का रोल करने वाली है, यानी कि अगाथा का कैरेक्टर प्ले करने वाली है, उसने जो है वांडा की मेमोरीज के ऊपर अपना कब्जा जमा लिया है, जिसके कारण वो अब उसकी बनाई हुई रियलिटी के अंदर में भी घुस सकती है। फन फैक्ट, इसी कैरेक्टर ने कॉमिक बुक्स के अंदर में वांडा के कैरेक्टर को सिखाया था कि मैजिक किस तरीके से करते हैं। शायद हम लोगों को इस शो के अंदर में भी ऐसा कुछ दिखाया जा सकता है। इसके अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि एक बेबी प्रैम है जिसके ऊपर ढेर सारी बटरफ्लाई जुड़ रही है। तो यार यहाँ पर तो भाई सीधे सीधे बात कंफर्म हो रही है कि इस शो के अंदर में वांडा के बच्चे होने वाले, जो कि ऑफ कोर्स उसने अपने दिमाग में बना के रखे, वो कोई रियलिटी नहीं है, वो बस उसकी इमेजिनेशन है जिसको वो सच मान रही है। शायद जिस तरीके से हम लोगों को ये दिख ही रहा है कि जो विलन है उसने उसकी मेमोरीज के ऊपर कंट्रोल कर लिया है, तो जाहिर सी बात है कि अब वो उसकी रियलिटी में घुस के वहाँ पर अपने हिसाब से भी चीज़ों को चेंज कर सकती है, और वो ज़रूर अपने किसी फायदे के लिए उसको ऐसा दिखाएगी कि वो बच्चे मर गए और उसके बाद में हाउस ऑफ एम जैसा कुछ इवेंट होगा। तो जैसे कॉमिक बुक्स के अंदर में हुआ था, जहाँ पे सारे के सारे म्यूटेंट्स को वांडा ने सिर्फ ये तीन वर्ड्स बोल के मार दिया था, नो मोर म्यूटेंट्स। पे कुछ तो ऐसा होगा जिसके कारण उसका दिमाग घूमेगा और शो के अंदर में वो नो मोर म्यूटेंट्स तो बोलेगी, लेकिन थोड़ी सी ग्रामर के साथ में छेड़छाड़ करके। यहाँ पर वो नो मोर म्यूटेंट्स नहीं बोलेगी, यहाँ पर वो बोलेगी नो मोर म्यूटेंट्स। और शायद इसी तरीके से सारे के सारे जो म्यूटेंट्स कैरेक्टर्स हैं या फिर एक्समैन कैरेक्टर्स हैं, वो सब के सब एमसीयू के अंदर में जगह बना लेंगे सिर्फ ये तीन वर्ड्स के थ्रू। और ऐसा हो सकता है क्योंकि वांडा के पास में बहुत ही ज़्यादा ऊपरी लेवल की टेलीकाइनेटिक पावर्स हैं। एक सेकेंड, ये इवान पीटर्स का नाम यहाँ पे क्यों है? इसके बाद में हम लोग एक सीन देखने मिलता है जहाँ पर मोनिका रैम्बियो, यानी कि जो कैप्टन मार्वल वाली बच्ची है, ये यहाँ पर आई है और इसको देख के लग रहा है कि ये स्नैप का शिकार हुई थी, क्योंकि इसकी एज उतनी ज़्यादा नहीं लग रही है, ये बहुत ज़्यादा यंग है। और ये प्रोबेबली तभी हो सकता है जब वो स्नैप का शिकार हुई थी। यहाँ पर हम थोड़े बहुत ग्लिच देख पा रहे हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि थोड़े टाइम के लिए वो अपनी रियलिटी वाला माइंड लेके चलती है और थोड़ी देर के लिए वहाँ पर कुछ ना कुछ टाइमलाइन एक्सचेंज चल रहा है, जिसके कारण वांडा भी उसके लिए थोड़े टाइम के लिए फैमिलियर है और थोड़े टाइम के लिए फैमिलियर नहीं है। इसके अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि वांडा और विजन ये दोनों ही कुछ एजेंट से लड़ रहे होते हैं, और यहीं पर फाइट करते दौरान ही विजन ये कहता है, तो प्रोबेबली यहाँ पर ये सारे जो एजेंट्स हैं ये सब टीवी एजेंट्स हो सकते हैं, क्योंकि इन सारे के सारे एजेंट्स की जो यूनिफॉर्म है वो बहुत ज़्यादा सिमिलर है टीवी ए के सारे एजेंट्स की यूनिफॉर्म से। और ये बात आगे चलकर कंफर्म भी हो जाती है कि वो लोग यहाँ पर क्यों आए हैं। हम यहाँ पर ये साफ साफ देख पा रहे हैं कि वांडा जो है वो माइंड स्टोन को वापस से लाने की कोशिश कर रही है, यानी कि टाइम के साथ छेड़छाड़। और टाइम वेरिएंस अथॉरिटी का यही काम है कि अगर कोई टाइमलाइन के साथ में छेड़छाड़ करेगा तो उसे रोकना, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग ये बहुत बड़ा क्राइम है।
जैसा अवेंजर्स एंड गेम के अंदर में इन चाची जी ने कहा था, एग्जैक्टली वही। तो ये शो रिलीज कब हो रहा है? ये शो रिलीज हो रहा है 15th of January 2021 को। और हाँ, ये बात ध्यान में रखना कि ये वीकली रिलीज होने वाला है, इसके सारे के सारे एपिसोड्स एक ही दिन पर रिलीज नहीं होंगे जैसे यूजुअली वेब सीरीज के एपिसोड्स रिलीज हो जाते हैं। इसके एपिसोड्स वीकली रिलीज होंगे क्योंकि लैक ऑफ कंटेंट, जैसा कि द बॉयज के सेकंड सीजन के साथ में होता है, बिल्कुल वैसे इन शोज के साथ भी होने वाला है। और इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना इसके फर्स्ट एपिसोड को देखने के बाद में मैं अपने थॉट्स और रिएक्शंस आप लोगों को बताऊं। यार वो वीडियो देख लेना ना तुमको तो, यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर दो ताकि जैसे ही मैं वो वीडियो डालूं तुम लोगों को फटाफट नोटिफिकेशन पहुंच जाए। मूविंग टू द नेक्स्ट शो, फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर। तो इस ट्रेलर की शुरुआत होते बराबर ही हम लोग देखते हैं कैप्टन अमेरिका के दो बहुत ही ज्यादा कूल शॉट्स, और उसके अगले ही सीन में जितने भी हम लोगों को डायलॉग सुनने मिलते हैं उससे हम ये समझ सकते हैं दैट फाल्कन जो है, यानी कि सैम विल्सन, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है खुद को कैप्टन अमेरिका की तरह बनाने में। ऑब्वियसली ऐसे लेजेंडरी बंदे का सक्सेसर बनना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल चीज़ है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं फाल्कन का नया सूट और बकी का नया लुक प्रॉपरली इन एक्शन, जो कि बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लग रहा है। पर्सनली मुझे ये वाला सूट ज़्यादा अच्छा लगा है कम्पेयर टू दोज फैन आर्ट्स एंड कॉन्सेप्ट आर्ट्स जो कि बाहर आ रहे थे और बता रहे थे लोग कि ऐसा सूट हो सकता है, लेकिन पर्सनली मुझे ये वाला ज़्यादा अच्छा लगा है एंड इट्स बेटर देन दोज कॉन्सेप्ट आर्ट्स। और बाकी का जो पहले था वैसा ही है बिल्कुल, एंड ही इज़ लुकिंग अमेजिंग इन दिस हेयर कट। इसके बाद में हम लोग देखते हैं वाइट रसल के US एजेंट को, जो कि वापस से वही सेरेमनी वाला शॉट ही दिख रहा है जो कि हम लोगों ने पिछली बार स्नीक पीक में भी देखा था। इसके बाद में मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा दैट जितने भी एक्शन सीक्वेंसेस डाले ना ओवर द टॉप है भाई साहब, जितने भी ये जो ग्राउंड बैटल एक्शन सीक्वेंसेस है बहुत ही अमेजिंग लग रहे हैं एंड इनकी एक अलग ही खासियत होती है। पिछली बार हम लोगों ने मार्वल मूवीज़ के अंदर में ये कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर मूवी के अंदर और कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर में देखे थे जिसमें कॉम्बैट एक्शन सीक्वेंसेस ज़्यादा थे, और इस बार भी ये देखने का मौका मिल रहा है, मज़ा आ जाएगा भाई, बिल्कुल मज़ा ही आ जाएगा। इसके बाद में हम लोगों को फाल्कन का एक बहुत ही अमेजिंग सीन देखने मिल रहा है जहाँ पर वो कुछ लोगों से एस्केप कर रहा है, लेकिन भाई वो उड़ते हुए बहुत ही ज़्यादा कूल लग रहा है, और जिस तरीके से इसकी कोरियोग्राफी की और विजुअल इफेक्ट्स का काम है हर बार की तरह बहुत ही ज़्यादा उम्दा। और उसके बाद में सबसे ज़्यादा कूलेस्ट टाइटल सीक्वेंस जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा सही लगा है, इससे ज़्यादा अच्छा नहीं हो सकता यार सही में भी, एक बार तुम लोग ही देख लो। देख के तो यही लग रहा है कि ये इस बार जो फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर का ये जो पहला सीजन है बहुत ही ज़्यादा कूल होने वाला है। इसकी रिलीज डेट तो नहीं पता चली है लेकिन ये मार्च 2021 में रिलीज होने वाला है, एंड यस ये वीकली आएगा ऑफ कोर्स क्योंकि लैक ऑफ कंटेंट, लेकिन शायद तब तक अगर थोड़ी हालत सुधर गई तो शायद वो लोग इसको वीकली की जगह एक साथ ही रिलीज कर दे, हु नोज। अब बढ़ते हैं अगले फर्स्ट लुक के ऊपर, यानी कि व्हाट इफ का फर्स्ट लुक। और ये इसके बारे में मुझे ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं थी, मैं बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं था इस शो के लिए, लेकिन ये फर्स्ट लुक देखने के बाद में मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो चुका हूँ इस शो के लिए। सबसे पहले इसके ओपनिंग में ही हम लोग सुनते हैं वॉचर की आवाज़, ये हम लोगों को सबटाइटल्स के थ्रू पता चलता है। अगर तुम लोगों को वॉचर के बारे में नहीं पता तो एक बहुत ही बड़ा कॉस्मिक लेवल बींग है जो कि लोगों के ऊपर ध्यान रखता है, जैसे इसका नाम ही सजेस्ट करता है कि ये लोगों के ऊपर नज़र रखता है। और ये सिर्फ एक किसी वर्ल्ड या फिर किसी एक मिल्की वे गैलेक्सी के ऊपर ध्यान नहीं रखता है, ये ध्यान देता है पूरे के पूरे एक यूनिवर्स के ऊपर। और जैसा कि हम लोगों को मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट के बारे में पता ही है कि बहुत सारे अलग अलग अल्टरनेट यूनिवर्सेस एग्जिस्ट करते हैं, तो हर एक यूनिवर्स के अंदर एक वॉचर्स का ग्रुप होता है। वॉचर्स को हमने पिछली बार एज अ कैमियो देखा था, लेकिन वो हम लोगों ने देखा था गार्जियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 2 के अंदर में स्टैनली के साथ में, वो साइड में जो वियर्ड से लोग बैठे हुए थे, हाँ उनको ही वॉचर्स कहा जाता है। इसके बाद में हम लोगों को चैडविक बोसमैन का एक सीन देखने मिलता है, RIP चैडविक बोसमैन। देन हम लोगों को मार्वल का लोगो देखने मिलता है जहाँ पे बैकग्राउंड में हम वॉचर को देख सकते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा कूल लग रहा है। इसके बाद में हम लोगों को देखने मिलता है कैप्टन ब्रिटेन का एक शॉट, यानी कि हमारे स्टीव रॉजर्स का पहला प्यार पेगी कार्टर इस अल्टरनेट रियलिटी के अंदर में कैप्टन ब्रिटेन है, यानी कि एक्सपेरिमेंट स्टीव रॉजर्स की जगह पेगी कार्टर के ऊपर हुआ था और वो बन जाती है कैप्टन ब्रिटेन, ना कि कैप्टन अमेरिका, यानी कि फीमेल वर्जन ऑफ कैप्टन अमेरिका जरूर कह सकते हैं।
इसके बाद में हम लोगों को पता चलता है दैट त्चाला इस शो के अंदर में एज स्टार लॉर्ड रहेंगे, यानी कि ऑल्टरनेट रियलिटी के अंदर में योंडू ओडांटा ने पीटर क्विल को किडनैप नहीं किया था, उसने त्चाला को किडनैप कर लिया था जो कि आगे जाके स्टार लॉर्ड बनता है। इसके बाद में डॉक्टर स्ट्रेंज का एक बहुत ही ज्यादा अमेजिंग शॉट साउंड्स फन, और फिर वॉचर हम लोगों को ये बोलते हुए सुनाई देता है इसके बाद में हम लोगों को लोकी का एक बहुत ही अमेजिंग सीन देखने मिलता है जहां पर बहुत सारे लोग उसे फॉलो कर रहे हैं और प्रेज कर रहे हैं। तो ये सीन जो है बहुत हद तक लोकी के ओरिजिनल शो से भी बहुत ज्यादा कनेक्टेड है। मैं बताता हूँ कैसे, आगे चलकर दिखाता हूँ, लोकी वाले पॉइंट पे बताऊंगा मैं। और इसके बाद में ये कंफर्म जरूर हो जाएगा दैट ये शो के अंदर जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो बहुत ज्यादा कनेक्टेड है हमारे ओरिजिनल मार्वल 616 यूनिवर्स से भी। साउंड्स फन। इसके बाद में हम लोगों को वॉचर का एक बहुत ही ज्यादा क्लियर लुक देखने मिलता है इस ट्रेलर के अंदर में। पहली बार हम लोगों ने जॉम्बी वर्जन ऑफ आयरन मैन देखा तो बहुत सारे लोग शॉक थे कि ये वाला यूनिवर्स सही में भी आने वाला है क्या। नहीं, ये हमारे मार्वल 616 के अंदर तो नहीं होगा लेकिन किसी और अर्थ पे जरूर हुआ है और ये हम लोगों को व्हाट इफ में भी देखने मिलेगा जैसे पिछले स्नीक पीक में पता चल गया था। तो यहाँ पर हम लोगों को एक बहुत ही ज्यादा क्लियर लुक वापस से देखने मिलता है जॉम्बी कैप्टन अमेरिका का, या फिर मेरे हिसाब से कॉलोनियल अमेरिका कहना चाहिए। इसके बाद में हम लोग देखते हैं कि हमारे वाले वर्जन के डॉक्टर स्ट्रेंज किसी और रियलिटी के डॉक्टर स्ट्रेंज से फाइट कर रहे हैं, यानी कि डॉक्टर स्ट्रेंज इनटू द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस की, या तो थोड़ी सी बात की चोरी हो सकती है या फिर पहले की। अब ये ट्रेलर से तो पता नहीं चल रहा है, शो आने के बाद नहीं पता चलेगा। साउंड्स फन। बढ़ते हम फाइनल पॉइंट की तरफ, यानी कि लोकी का एक्सक्लूसिव क्लिप, और ये मेरा फेवरेट वाला है तो इसको जरूर देखना, इसके अंदर में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ईस्टर एग्स के बारे में, तो हम लोगों को पहला ईस्टर एग देखने को मिलता है आयरन मैन 1 से, जहां पर लोकी यहां पर जिस तरीके से लेटा हुआ है और जैसे कि हम लोग यहां पे देख ही सकते हैं कि यहां पे कुछ मेटल के ढेर सारे टुकड़े हैं, और ये हम लोगों को डायरेक्टली याद दिलाता है आयरन मैन 1 मूवी की, वहां पर भी जब टोनी स्टार्क अपनी फर्स्ट फ्लाइट ले रहा होता है तो वहां पे वो जैसे डेजर्ट में गिरता है बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा ही लोकी भी हम लोगों को डेजर्ट के अंदर में गिरा हुआ दिखता है। और उसके बाद में कुछ लोग उसे देखते हैं और इनको देख के साफ साफ पता चल रहा है कि ये जो लोग हैं ये मंगोलियंस हैं। उसके बाद में हम लोगों को एक बहुत ही अमेजिंग मार्वल लोगो दिखता है जो कि भाई बहुत ही ज्यादा मस्त टोन में बना है, और मार्वल अपने लोगोज और इंट्रोज के लिए जाना जाता है और भी बहुत सी चीज़ों के लिए जाना जाता है, लेकिन उनके जो लोगोज है वो हर बार की तरह यूनिक रहते हैं एंड दिस टाइम दे हैव प्रूवन इट अगेन। इसके बाद में हम लोगों को एक लिफ्ट के बटन्स देखने मिलते हैं जो कि मुझे बिल्कुल भी किसी फ्लोर पे जाने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं लग रहे हैं, और इन सारे कोड्स को पढ़ने के बाद में ये पता चलता है कि ये सारे जो कोड्स है वो किसी फ्लोर के लिए नहीं बल्कि टाइमलाइंस में जाने के लिए, टाइम ट्रैवल करने वाली लिफ्ट, ये कुछ ज़्यादा यूनिक लग रहा है। इसके बाद में हम लोगों को ओवेन विल्सन का कैरेक्टर देखने को मिलता है एंड सबटाइटल्स के बारे में हम लोगों को ये पता चल जाता है कि वो इस बार मोबियस का कैरेक्टर प्ले कर, अबे ये वाला नहीं, वो तो गलत लगाया है बार, क्या क्या कर रहा है रे तू, आई एम सॉरी अपोलॉजीज फॉर द टेक्निकल डिफॉल्ट, बार क्या ने गलत फोटो लगा दिया था। तो यहाँ पर हम लोगों को ये पता चलता है कि ओवेन विल्सन मोबियस एम मोबियस का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। मोबियस का ये जो कैरेक्टर है ये टाइम वेरियंस अथॉरिटी का एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा कॉप है क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है इसीलिए वो अच्छा है, या फिर अच्छा इसलिए इम्पोर्टेंट है। छोड़ो यार, क्या करना है वैसे भी, बाद में शो देखने के बाद में पता तो चल ही जाएगा। लेकिन इसकी बात के डायलॉग सुनने के बाद में ये ज़रूर पता चल जाता है कि मोबियस का जो कैरेक्टर है वो लोकी को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से जानता है और इसलिए उसने बहुत जल्दी पकड़ लिया कि वो झूठा है। फिर हम लोग देखते हैं कि लोकी के गले में पट्टा है जो कि उसकी पावर्स को रोक रहा है, और सेम चीज़ हम लोगों ने डेडपूल 2 में भी देखी थी। इसके बाद में हम लोगों को एक हुडेड फिगर देखने को मिलता है जो कि कुछ टीवीए एजेंट्स को मार रहा है। पहली बार में मुझे लगा था कि ये जो बंदा है ये रेड स्कल है और जो पेट रहा है वो कैप्टन अमेरिका है, लेकिन बाद में ध्यान से देखने के पता चला कि इसकी तो दाढ़ी है यार, और फिर मैंने थोड़ा अलग ढंग से दिमाग चलाया। इट बी पॉसिबल कि ये जो कैरेक्टर दिख रहा है ये इस शो के अंदर मेन विलन है। अब थ्योरीज तो कहाँ के कहाँ जाती है, लेकिन मुझे ये लगता है कि ये एक फीमेल कैरेक्टर है। अब या तो ये कोई फीमेल लोकी हो सकती है,
या तो ये लोकी है जो कि अपना रूप बदल के इन लोगों को बना रहा है, या फिर ऐसे ही कुछ हो सकता है शायद। एंड में अगर ऐसा कुछ रिवील हुआ तो मुझे शॉक नहीं लगेगा। कि अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि ये जो कॉप्स है ये लोकी को किसी ट्रायल के लिए ले जा रहे हैं, और यहाँ पे जो तीन फेसेस बने हुए वॉल के ऊपर, ये सीधे सीधे रेफरेंस है लिविंग ट्राइब्यूनल का। और इसके बाद में ये चीज़ और ज़्यादा कंफर्म हो जाती है, क्योंकि उसके अगले शॉट में ही हम लोग देखते हैं कि लिविंग ट्राइब्यूनल की यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी स्टैचू बनी हुई है। अब अगर तुमको ये नहीं पता है कि लिविंग ट्राइब्यूनल कौन है, तो ये एक कॉस्मिक एंटिटी है जो कि बहुत ही ज़्यादा महान है, और मेरे हिसाब से TVA वाले उनकी पूजा करते हैं या फिर उनके ऊपर बहुत ही ज़्यादा बिलीव करते हैं। इसके बाद में हम लोग कुछ TVA एजेंट्स को लोकी को उसके कुकर्म कांड दिखाते हुए दिखते हैं। और हाँ, ये अपने दिमाग में रखना कि ये वाला जो लोकी है जो भागा है, ये अभी की ओरिजिनल टाइमलाइन वाला लोकी नहीं है, ये 2012 का लोकी है जो अभी तक हरामी है। और अवेंजर्स ने जो टाइमलाइन के साथ में छोटी सी छेड़छाड़ की है, उसका नतीजा ये बुरा लोकी है, और ये ज़रूरत से ज़्यादा बुरा है। और अब तक उसके साथ में थॉर द डार्क वर्ल्ड वाले इवेंट्स नहीं हुए, अब तक सिर्फ उसके साथ में थॉर 1 और दी एवेंजर्स तक के ही इवेंट्स हुए हैं। इसके बाद में हम लोगों को एक चर्च का सीन देखने मिलता है। बस फर्क यहाँ पे इतना है कि ये जो फोटो है ये भगवान की नहीं है, शैतान की है, एक डेविल की है, यानी कि ये फोटो है मेफिस्टो की। और ये बात मैं पूरी पूरी गारंटी के साथ में कह सकता हूँ। यहाँ पे ऑब्वियसली जो मोबियस का कैरेक्टर है वो ताई बन गया है, और अपना लोकी जो है वो गणेश गातोंडे बन चुका है, यानी कि अब TVA लोकी को इस्तेमाल करेगी अपने काम करवाने के लिए। के बाद में हम लोगों को लोकी दिखता है जो कि एक प्लेन में से भाग रहा है, और वहां से बायफ्रोस्ट खुलता है और उसे टेलीपोर्ट कर देता है एक दूसरी जगह पे। अब तुम बोलोगे कि यार हाइमडाल तो मर चुका है, तो फिर ये कैसे? तो सीधी सी बात है, ये लोकी 2012 का है, और या तो ये बहुत ही ज़्यादा पास्ट की इवेंट है, या फिर ये कोई सी और सी रियलिटी का इवेंट है जहाँ पर हाइमडाल अभी तक जिंदा है। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि ये हाइमडाल जिंदा तो है, लेकिन ये लोकी की मदद क्यों कर रहा है, या फिर इसको भी बना दिया लोकी ने? वेल, ये चीज़ लोकी के लिए ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, वो किसी को भी बना सकता है। एंड फाइनली जो एंड होता है, वहाँ पर हम लोग देखते हैं कि कुछ बारबेरियंस ने लोकी के बैजेस पहन रखे हैं, जो कि 2016 की कॉमिक वोट लोकी का एक रेफरेंस है। और क्योंकि ये लोग लोकी के लिए काम कर रहे हैं, तो ये लोग उसे प्रेज भी कर रहे हैं, तो शायद ये वॉट इफ में जाके जुड़ेगा और वहाँ पे जाके कनेक्ट होगा। लेकिन यहाँ पर ये जो जगह है, ये मुझे बहुत हद तक सकार जैसी क्यों लग रही है, क्यों? मैं पूछता हूँ क्यों? खैर, जो भी है वो तो हम लोग शो देखने के बाद में पता चल ही जाएगा। तो यहीं पे ये वीडियो ख़त्म होता है। तो यार बस आज के वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ में जिन्होंने अभी तक ये सारे ट्रेलर्स नहीं देखे, या फिर देख लिए तो उनको कुछ ईस्टर एग्स या फिर फैक्ट्स पता नहीं चले, तो उनके साथ में ये वीडियो शेयर कर दो। कमेंट सेक्शन में जाके अपने थॉट ज़रूर बताओ यार, मुझे तुम लोगों के थॉट जानने का बहुत शौक है। तुम किस शो के लिए सबसे ज़्यादा वेट कर रहे हो ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और हाँ, जैसे कि मैंने बताया कि मैं इन दो शोज़ जिनके डेट्स अभी निकल के आ गए, यानी कि फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर और वांडा विजन, इन दोनों के ही फर्स्ट एपिसोड देखने के बाद मैं उनके ऊपर रिएक्शन करने वाला हूँ और इनको रिव्यू भी करने वाला हूँ। तो ये सारे वीडियो जो हैं इनको इनके लिए अपडेट रहने के लिए तुम लोग प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लो। और हाँ, मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना। बाकी मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम।